ये कौन से कंट्री से आया? ये इंडिया से आता है। इंडिया से आया। अच्छा, अब ये ही मैं पूछना चाहता था, पाकिस्तान में मशहूर है कि जी पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है और ये है वो है, इंडिया वाले हमारे नाम का चावल मतलब बेचते हैं, लेकिन ये इंडिया में यूएई में जो इस टाइम चावल यूज हो रहे हैं, जो इस जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, इंडिया से आ रहा चावल। मैनेजर की तरफ से ये बताया गया है कि मोस्टली जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया हैं, या फिर पैकिंग यहाँ पे हुई है, प्रोडक्शन इंडिया पे हुई है, जैसे कि ये आमला मेरे हाथ में मौजूद है, ये ऊपर वाजे तौर पे लिखा है मेड इन इंडिया और इसकी कीमत है तकरीबन 10 दिरहम, जो कि ये पाकिस्तान के बनते हैं तकरीबन 750 रुपया, 750 रुपया, और इंडिया का तकरीबन 250 के करीब, 300 के करीब। और आपके वहां पे इसकी क्या कीमत है ये जरूर आपने बतानी है। ये सोप हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर भी लिखा है मेड इन इंडिया और इसका नाम क्या है ये आप जरूर देख लें। क्या आपके वहां पे ये मौजूद है? ये 30 दिरहम का क्या? 30 दिरहम पैकेट, पूरा पैकेट ठीक है। इसमें कितने हैं? 12 पीस हैं, 30 दिरहम का। इसके ऊपर मैं आगे देख रहा था, ये हिमालय ब्रांड जो है मेरे ख्याल से ये इंडिया का है, लेकिन इसके पीछे लिखा है कि मेड इन यूएई, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता चला, ये ब्रांड के हवाले से जरूर बताइएगा इसकी क्या कीमत है। 13 दिरहम है। पाकिस्तान में आपको नहीं मिलते। अच्छा, इधर देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान। यूएई के अंदर मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट जब पाकिस्तानी रिपोर्टर देखता है तो कहता है कि भैया जो है यहाँ पर तो सारा इंडिया का ही प्रोडक्ट आता है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में और वीडियो के अंदर जो दिखाया गया उसके बारे में। अच्छा, ये दाल बड़ी सस्ती है जनाब, इधर ठीक है, 1 kg आपको तकरीबन मिलेगी, 6 दिरहम का मिलेगा, ठीक हो गया। चने आ गए, ब्लैक चने। अच्छा, चने चने को छोड़े, ये मेरे मर्जी की चीजें थोड़ी आ रही हैं। चावल की खास तौर पे बात करेंगे, ये चावल किधर से है और इसकी ये किस तरह? ये 7 रुपए kg है। 7 रुपए kg, यानी ये कितने का, कितने का बना? पाकिस्तानी कितने रुपए हुए जी? पाकिस्तानी तकरीबन 400-500 के राउंड अबाउट हुआ, ठीक हो गया। पाकिस्तान से महंगा, ठीक है, नहीं इतने का उधर भी अच्छा है। इस क्वालिटी का चावल, ये आप चावल की क्वालिटी चेक करें, इस क्वालिटी का चावल मैं समझता हूँ उधर भी इतना ही होगा। खान साहब, ये कौन से कंट्री से आया? ये इंडिया से आता है। इंडिया से आया। अच्छा, अब ये ही मैं पूछना चाहता था, पाकिस्तान में मशहूर है कि जी पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है और ये है वो है, इंडिया वाले हमारे नाम का चावल मतलब बेचते हैं, लेकिन ये इंडिया में यूएई में जो इस टाइम चावल यूज हो रहे हैं, जो इस जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, इंडिया से आ रहा चावल। इस टाइम हम मौजूद हैं इस स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में और मैनेजर की तरफ से ये बताया गया है कि मोस्टली जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया हैं, या फिर पैकिंग यहाँ पे हुई है, प्रोडक्शन इंडिया पे हुई है, जैसे कि ये आमला मेरे हाथ में मौजूद है, ये ऊपर वाजे तौर पर लिखा है मेड इन इंडिया और इसकी कीमत है तकरीबन 10 दिरहम, जो कि ये पाकिस्तान के बनते हैं तकरीबन 750 रुपया, 750 रुपया, और इंडिया का तकरीबन 250 के करीब, 300 के करीब। और आपके वहां पे इसकी क्या कीमत है ये जरूर आपने बतानी है। और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि अगर हम ये वाटिका, इसकी कीमत है तकरीबन 7.5 दिरहम और इसके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा है, और आपके वहां पे जरूर जो भी कीमत होगी आप बताइएगा। आगे चलते हैं जी, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये समझता हूँ साबुन हो, शैम्पू हो, या फिर इसके अलावा आप दूसरी क्रीम वगैरह की अगर बात करें, ये देखें जी, ये सोप हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर भी लिखा है मेड इन इंडिया और इसका नाम क्या है ये आप जरूर देख लें। क्या आपके वहां पे ये मौजूद है? ये 30 दिरहम का क्या? 30 दिरहम पैकेट, पूरा पैकेट, ठीक है। इसमें कितने हैं? 12 पीस हैं, 30 दिरहम का, ठीक हो गया। अच्छा है जी। अच्छा, ये चीज मैं नोट की है, जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर इंडिया से क्यों है, मतलब पाकिस्तान से क्यों नहीं? सब्जियां सब्जियां ये दूसरी चीजें आती हैं, ये प्रोडक्शन वाली जो चीज है वो पाकिस्तान, क्या वजह है उसकी? हम बना नहीं रहे या फिर क्या महंगी हमें पड़ती है, खुद ही महंगी पड़ती है, फैक्ट्री एरिया बहुत, बिजली बहुत महंगी है, ये चीजें, ये वो मेन मसला ये हमारे मेन पॉइंट है बिजली, यानी कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं हो रही, ऐसे ही ठीक हो गया। और ये एक यहाँ पे हिमालय, इसके ऊपर मैं आगे देख रहा था, ये हिमालय ब्रांड जो है मेरे ख्याल से ये इंडिया का है, लेकिन इसके पीछे लिखा है कि मेड इन यूएई, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता चला, ये ब्रांड के हवाले से जरूर बताइएगा इसकी क्या कीमत है। 13 दिरहम, 13 दिरहम है, ठीक है। और इसमें पैकेट कितने पीसेस हैं? 12 पीस, ठीक हो गया, 12 पीस। चलें जी, बड़ी जबरदस्त चीज है, मार्केट की खासतौर पर बात करें, पैकिंग बड़ी खूबसूरत किस्म की गई है, कीमतें मैं तो ये चीजें इस तरीके से खुद नहीं खरीदता, लेकिन वहां पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो जो पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं वो बताइएगा, और इंडिया में जो इन चीजों की, इन प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो बताइएगा। ये वैसलीन यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर देखते हैं इसकी कीमत क्या? 14 दिरहम, और ये है जी वैसलीन,
इसके ऊपर मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये ब्रांड कहाँ का है ये आप जरूर बताइएगा, और आपके वहाँ पे यही वैसलीन कितने की है ये भी बताइएगा। प्रोडक्ट्स भी दूसरे कंट्री की, खरीदने वाले भी दूसरे कंट्री के, लेकिन पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे यहाँ के लोग। उसकी वजह मेरे ख्याल से है कि मैनेजमेंट, इन लोगों ने मैनेज बढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया इनका यूए का, बहुत अच्छा हर तरफ जो उनसे प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखी गई है। इधर से हमें चीजें सीखने की जरूरत है, पाकिस्तान के लोग हों या दुनिया के किसी भी कंट्री के लोग हों, कि हम अपनी कंट्री को भी अगर प्रॉपर मैनेज करें, हमारी पॉलिसीज बेहतर हों, रूल एंड रेगुलेशन हो और उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए, तो पाकिस्तान या कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। हम 1947 में जो जैसे हम इधर फॉलो करते हैं उधर भी करे थे, हर चीज हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम, नाम अल्हम्दुलिल्लाह, हम बढ़िया, सद्दाम हुसैन है, ठीक है। तो कहाँ से आप? इंडिया से हैं। इंडिया से जी। अभी मार्केट में आप मुझे देख रहे जी, थे। हम अभी आपको देख के इधर पहचान गए कि अरे हम तो आपके YouTube में देखते थे। तो वैसे नहीं देख जी, सकते जी, देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप, इंडिया से यहाँ पे आए कितना टाइम हुआ? मेरे को 8 साल हो गए इधर। 8 साल हो गए हैं। जॉब जो कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं? जॉब हमारा पॉलिशिंग का है। पॉलिशिंग का है, तो इंडियन ही सभी मिलके कर रहे होंगे या? नहीं, पाकिस्तान का भी है। अच्छा, पठान है हमारा, हम एक साथ काम करते हैं, भाई पीछे जो खड़े हैं। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे सभी मिलके काम कर रहे हैं, जिससे भी पूछ लें। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है लजबर खान। और पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। किस एरिया से, किस सिटी से? कराची से। कराची से, जबरदस्त हो गया। यहाँ पे सभी मिलके रह रहे हैं, कोई नहीं कहता कि हम। तो मेरा तकरीबन 5-6 साल हो गया एक साथ ही रह रहे यार। कभी लड़ाई कभी झगड़ा कुछ नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, एक साथ मिलजुल के रहते, लेकिन हमारे मुझे ऐसा पठान आदमी कभी नहीं मिला। अच्छा? बहुत ही अच्छा लड़का है। नहीं नहीं भाई, पठान कौन से है? वैसे तो हम ये पठान पंजाबी बलोचिन चीजों से आगे निकलना चाहिए, लेकिन पठान पाकिस्तान की शान है। जी जी। आप जो हमें पता है ना, जज्बाती होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, मैं माइंड ना करना, लेकिन आपके है गुस्सा तो आता है कि नहीं? नहीं यार, कभी कभी आ जा आता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया कि भाई जो भी है दिल में खुल के बोलता है। हाँ, ये इसी को ये कहते हैं ना स्टेट फॉर्म, आगे पीठ पीछे बात करे ऐसा नहीं है, जो भी है वो खुल के बोल देता है, मुझे बुरा लगे चाहे कुछ लगे, ठीक है, वही बात उसको मुझे अच्छा लगता है बहुत, ठीक है। इधर शॉपिंग करने आप आते हैं क्या? थोड़ा सा इधर आए, ये देखिए, ये सारी चीजें मैं भी देख रहा था, ये चावल सारे इंडिया से आए हुए हैं। जी जी। क्या समझते हैं, यही चीजें यहाँ पे भी मिल रही हैं जी, इंडिया की लोग भी इंडिया वाले खरीद रहे हैं, यानी दूसरे कंट्री से आके खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। जॉब क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, मतलब जॉब के हवाले से, कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, आपकी सैलरी कितनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, सैलरी तो उतना नहीं। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि जो मैक्सिमम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे वो भारत के बने हुए थे, क्योंकि भारत की बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो यूएई के अंदर जो है बेची जाती हैं, और वहाँ पर इंडियन ज़्यादा हैं, इस वजह से भी बहुत सारा प्रोडक्ट आपको इंडियन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मसाले अगर ये दिखाते तो मसाले भी आपको इंडियन देखने को मिल जाते। इसके अलावा सब्जी जो है वो ज़्यादा नहीं भारत से जाती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब भारत के अंदर प्राइस बढ़ने लगते हैं सब्जियों के, तो भारत सरकार उन सब्जियों के ऊपर बैन लगा देती है, इस वजह से आपको यूए के अंदर ज़्यादा सब्जियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे इस समय देखा जाए तो प्याज के ऊपर बैन लगा हुआ है, मतलब जो भारतीय प्याज है वो जो है हमारे देश से बाहर नहीं बेचा जा सकता है। तो ये जो भारत के अंदर रेट होते हैं इनको कम करने के लिए इस तरीके की चीज़ें जो है भारतीय सरकार करती है। हिमालयन बहुत बड़ी भारतीय ब्रांड है और पूरी दुनिया के अंदर इसके प्रोडक्ट जो है डिमांड में रहते हैं, और आपको हर एक स्टोर के ऊपर लगभग पूरी दुनिया के अंदर मिल जाएंगे। और इनके जो है अलग अलग देशों के अंदर कंपनी भी हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज़ को मैनेज करने के लिए इन्होंने यूएई के अंदर एक कंपनी डाली होगी, इसी वजह से वहाँ पर मेड इन यूएई आ रहा है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं यूएई के अंदर अपना बिजनेस डालती हैं, उसका रीजन है कि वहां पर टैक्स बहुत कम है, भारतीय ब्रांड है लेकिन यूएई के अंदर है, तो अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में। पाकिस्तान के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट बनते नहीं, यहां तक कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं यूज करते हैं। और यहां पर स्वैब भाई ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो चावल है वो भारत का ही चावल यूएई के अंदर जाता है। पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं कि भैया हमारे यहाँ का चावल जाता है, फिर इंडिया वाले मोहर लगा देते हैं, उसके बाद में फिर उसको जो है दुबई के अंदर या फिर सऊदी के अंदर बेचा जाता है। तो ये भ्रम जो है ना इनके दिमाग के अंदर हमेशा चलता रहता है और ये झूठ है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।